कौन आता है बेटी बाल? वेलकम वेलकम। प्रणाम जीजा जी, हाउ आर यू? वेयर इज योर मदर? ओ माय गॉड, लुक एट द मदर। लो गहना है तुम्हारे लिए। रॉकी साहब, ये क्या है? लो पकड़ो पैकेट, ये लाइक येलो वाला पकड़ो। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है वेदर, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। या मम्मा का परफ्यूम है, इंटरनेट पे आप सबने इसको तो देखा ही होगा, ये क्या है। तो मैं वेट कर रही हूँ वेदा इसको कुछ बोले, पर ये तो इसको खाने के लिए लगी हुई है। रुक जा बेटे, नहीं चलता। अरे गाना, मैं सोच रही हूँ ये चलेगा। बैटरी डालो, बैटरी डाला हुआ। आ अरे वाह, ये किसने बनाया है? अरे वाह वाह वाह, ये किसका गुगु है? आ नो आ ऑन किया है मैंने। बैटरी नहीं होगी ना? बैटरी है, ऑन किया है, थोड़ी लाइट जली थी तो मेरे को तभी तो लगा है चल रहा होगा। ज्ञाना है ना गुगे? वही ज्ञाना। बोल ज्ञाना, बोल। आ बोल इसको। आपको लगता है कि इसको ज्यादा अच्छे टेस्ट बड्स दिए? अरे इससे क्या होगा। थैंक यू, थैंक यू। गलती होगी। क्या बनाया है? चाय पनीर फाइनल चीज है। भैया से इंस्पायर्ड। वाह, ये चलेगा? शायद। आप खाओगे बेटे? अभी नहीं, अभी बहुत छोटे हैं मामा। ये तुम इतनी रात को गेस्ट स्कूल सीखने, जिन्हें पार्किंग नहीं मिल रही है, ढूंढने पड़ेंगे। वो गेस्ट है, आ गए वो, पर वो कह रहे कि कहाँ जाए डी में, तो ढूंढते हैं उन्हें। हाँ इंजन कहीं तो चल रहा है, उस साइड चल रहा है, उधर 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 उधर। देखिए ये बहुत दूर से आए हैं ये प्राणी, नैन्सी तो पहचाने भी नहीं जा रही। ओ सॉरी, आप बताइए ये लोग कौन है? बाकी जानने के लिए देखते रहिए रोहिणी तिलक व्लॉग्स। भाई साहब इतना थके हैं हम गाड़ी में, टांगे दबानी है, ऊपर थकाएंगे तुम्हें। चलो साथ जीजू कंधे दबाने, टांगे दबानी है, पैर भी। तुम्हारे लिए वो घर वाली मसाज बुलाऊंगी। चलो यहाँ से आगे ले आऊं? ये देख सामने गाड़ी, इसके साथ ही लगा ले चाहे। यहाँ से यहाँ पे कहीं भी लगा ले, मेरे पाँव के ऊपर नहीं ले जाना, बाकी सारी जगह ले जाओ। थैंक्स, बाकी किसी ने नहीं कहा नैनू, बट थैंक यू। क्या नीतू ने? चलती रहे तो ऊपर ही बताऊंगी अब। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज हम सब निकले हैं राजा जी की सवारी लेके। राजू जी? हाँ राजा जी की सवारी ना जिसमें हम बैठे। राजा जी, मुझे सुना राजू जी, मैंने कहा क्या? राजू जी ने, राजा जी की सवारी लेके हम निकले हैं आज लाजपत नगर, माय फेवरेट फेवरेट मॉल। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी शादी के दौरान या जब हम कनाडा जाने वाले थे, उससे पहले भी हम वहाँ गए थे और मैंने क्या धक्की शॉपिंग की थी वहाँ से। तब तुम तो आज न्यूली वेड्स थे या अब हम न्यू पेरेंट्स हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ अगर आज इस बार भी ऐसा ही कुछ मिल जाए। एंड प्लस क्योंकि कल जन्माष्टमी है और वेदा और हमारी गाथू की पहली जन्माष्टमी होने वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि सेलिब्रेट किया जाए और कुछ अच्छा किया जाए। और यहाँ पे बातें हो रही है बड़ी बड़ी, वो आप जानने के लिए देख सकते हैं। ज्योतिका एंड रजत व्लॉग, जैसे रोहिणी दीदी हर जगह अपना वो प्रमोट करती है ना, मुझे भी ऐसा हो गया। कोई अच्छा हेयर कट करता है तो मेरी कटिंग कर दो। चलो मैं काटती हूँ। तो फिलहाल के लिए तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के मैं दिखाती हूँ आज के हमने क्या क्या खरीदा और ऑलमोस्ट कितने दाम में खरीदा, बिकॉज लास्ट टाइम भी बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीजें मिली थी और हम बहुत खुश हो गए थे। हमें पता ही नहीं लगा था कभी इतने घंटे निकल गए थे हमारे। नैनू स्टॉप चेकिंग मी आउट, आई जस्ट कैन नॉट हेल्प इफ आई एम दिस प्रिटी। हु इज चेकिंग यू आउट? नन्ना। अच्छा या मैं ये देख रही हूँ कि मैंने रोहिणी के बाल बनाए थे कि मैं कितने अच्छे मतलब बाल बना देती हूँ कि अगर किसी और को अपने बाल बनवाने हो तो। इन दोनों को ना मैं इसलिए साथ नहीं बैठने देती हूँ कि इन दोनों को क्या मौका मिलता है, मेरी बारी आती है। साथ तो हम फिर भी नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स बना रही है इसको अपने साथ। ये देखो, ये दो दीदू हमारे यहाँ। गातू आगे देखो, आगे देखो। पूरे कैमरा एंगल्स लेती है कसम से। इट्स ओके, दे विल स्टिल लुक क्यूट। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा आपने कमेंट करके बताना है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। वैसे तो पता ही है सबको कौन ये बड़ी है।
मुश्किल क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन, वेरी टफ। या फिर ये बड़ी है, सबसे बड़ी है। आज गाना कितनी प्यारी लग रही है, हाँ डॉल जैसी एकदम। चलिए अब मैं यही खत्म करती हूँ जब तक मेरा पूरा व्लॉग ही बन जाए। मैंने तो कुछ दिन से पहले कह दिया था कि आज की डॉल मतलब आज का अवार्ड, हाँ विनर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती है, बेस्ट अवार्ड जाता है मिस ज्ञाना त्यागी को। जब त्यागी नहीं मिश्रा है, ओ सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूजन हो जाता मुझे। ज्ञाना मिश्रा को और ज्ञाना ने तीनों बच्चों को निकनेम दे रखे है, ये मिष्टी है, मिश्री, ज्ञाना खुद ज्ञाना तू बता, ज्ञाना बताओ कौन कौन है। ये है ज्ञाना, नहीं लड्डू, लड्डू। और मामी क्या है, मामी मिठाई की दुकान है, मामी मिठाई मोदक। हेलो, सो सीटिंग प्लान के साथ साथ हमारा भी प्लान चेंज हो चुका है, अब हम लाजपत नगर नहीं जा रहे, और मेरे सपनों पे शकना चूर कर दिया, और पीछे ज्यादा ये चमक रहे, आगे मैं बिल्कुल ही नहीं दिख रही हूँ अब, साइड वाला। थैंक यू सो मच। हाँ फिर भी नहीं, तो फिर भी ठीक है, हाँ स्पॉटलाइट। अरे तो हम आ तो जा नहीं रहे हैं, अभी गुंजन दी ने कोई जगह रेकमेंड की है जहाँ पे लिट्टी चौका मिलता है, राइट, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड टू ईट दैट, सोच रहे कि वहाँ जाएंगे और खाएंगे, उसके बाद हमारे पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो हम वापस आ जाएंगे। तो हम तैयार हुए थे गाड़ी में बैठने के लिए, गाड़ी में बैठ के वापिस भी निकल जाएंगे, अगर टाइम बचेगा तो मॉल जाएंगे, अगर नहीं तो हम कल सुबह आप जाएंगे, फिर देखते हैं। शी इज वेरी नाइस लिसनर, एस आई एल करनी चाहिए थी नैना, करनी चाहिए थी, तुम मौका गवा गई, तभी तुझे हमने उस घर भेज दिया जहाँ हो रही है। या चलिए तो करते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात, क्योंकि अब होगी नैनू की पिटाई। ये कुछ एक लोग है जिन्होंने मना किया था कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। किसने बोला था टेस्ट करूंगी मैं, तू ने रजत ने एकदम मना किया मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं डिनर, और जैसे अंदर आया ना नैनू ने कहा एक बार सूंघ के देख, बोलता मैं पिघल गया, कहता जो नमकीन चीजें होती है मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा चटपटा, वेरी गुड। How about you, Nanna? Very authentic. Yeah? Yeah. How about you, Choti? How is it? अच्छा गर्म है? ये देखो ये ऐसा दिखता है, अच्छा लग रहा है, मैं भी इससे एक बाइट तो खा ही लूंगी। सब पहले मना कर रहे थे, आज जीजा जी जाएंगे इनके लिए, अब आएगा वापस। मुझे पता था तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। I knew it. You knew it? मेरा फेवरेट है। Oh wow. लगता है गुंजन जी की भी सुननी पड़ेगी आगे से अगर कुछ खाने का रेकमेंडेशन आ जाएगा। समझदार लड़की है। चलो ठीक है मैं भी खाती हूँ फिर। मूली वाले, मूली वाले कहाँ से मिल गया? ए मूली भी मिली। मूली और इसको लाओ इधर, छोड़ दो। अच्छा साले बदमाश को खा लो गुंजन जी, खा के देखो। मैं नहीं खाती, क्या बुला दिया यार, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब आप भी खा लो इसकी रेकमेंडेशन पे। मीठी चटनी तो नहीं इसमें, गर्म ही है अभी भी, हाँ गर्म है। चटनी चाहिए और भैया, मीठी चटनी है, मीठी मीठी चटनी है, आ गए टाइम, मीठी नहीं है आ गए टाइम, वरना मुझे तो भारी पड़ रहा था निपटाना। मीठी है, मीठी चटनी खुद ही हो तो भाई निकले ना, हाथ इतने महीनों की डाइट बर्बाद हो गई मेरी तो, दे रहा है बंदा। तो हम लाजपत नगर तो नहीं जा पाए, पर हम आ चुके हैं अब जगत फार्म्स, तो मोर और लेस सेम वाइब है यहाँ की भी। अभी हमने राम लड्डू खाया यहाँ पे, और अब देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, पर फिलहाल के लिए अभी हम छोटी मोटी शॉपिंग के लिए देखेंगे, तो चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या खरीदेंगे। तो कौन सा? ये नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ ये कलर तो सुंदर है, ये तो लड़कों जैसा ही है। मैं डर गई, मैंने सोचा ये क्या है, और ये बात हो रही है यहाँ से ऊपर से नीचे, मैं साइड ही हो जाती, पता चले जूता मेरे सिर पे। मैं कृष्ण भगवान का बनेगा।
और इनमें से ज्यादा राजू का होगा साइज। हां मैं वही बोल रहा था, नैना के साइज कब मिलेगा? ये कैसा है, नैना के साइज कब मिलेगा ड्रेस? नैना के साइज बच्चे का है, इतना सा बच्चा। ओह ये वाला मैंने क्या शॉपिंग की है, क्या मजे आए। शॉपिंग की है बताओ जरा, क्या ही शॉपिंग कर दिया आज तो मैंने, इतने सारे झुमके लिए ना, इतने सारे, और मैं इतने टाइम से लेना चाह रही थी। दिखना चाहिए तभी मानेंगे सच। हाँ, रोज हर आउटफिट के साथ आपको नए झुमके मिलेंगे और इतनी खुशी, मुझे इतनी खुशी, और भैया ने जो मुझे डिस्काउंट दिया बिना मांगे उससे तो और भी ज्यादा खुशी। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, मेरे को तो लग रहा था आज तो मेरा बिल पहुंच ही गया कहीं का कहीं। पर चले चलते घर की ओर। त्यागी जी और जीजा जी तो बच्चों के साथ ही व्यस्त थे और ये अलग ही शॉपिंग बैग लेके चले हमारे भैया। गॉड ब्लेस यू। बस यहाँ से कोई एक घंटा भी हमें घर पहुँचने में लगेगा, गर्मी बहुत है तो अब शायद आइसक्रीम खाए और इस डे को आज यहीं दी एंड करे। ओह हो रजत को दिख गया कुछ, ये देखो ये क्या है, गोलगप्पे गोलगप्पे। नो नो गोलगप्पे, कोई बात कोई बात। और रजत को वहाँ क्या दिख गया, और रजत की वाइफ भी चली गई साथ ही साथ। इन्हें इतनी सारी शर्ट मिल गई, आपको लगता है ये आएंगे अब गए? तो अब हम घर वापस आ चुके हैं और मैं क्या देखती हूँ कि वेदा एकदम अलर्ट हो चुकी है और मुझे लगा था वो रात के लिए सो चुकी है, और जैसे मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ मेरे को देख के हंस रही है जैसे उसका फूड स्टॉक आ गया। ये देखिए यहाँ गुंजन दी ने क्या सुंदर डेकोरेशन की है लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए सारे देवी देवताओं को यहाँ पे अच्छे से नहला धुला के दोबारा से वस्त्र पहना के स्थापित कर दिया है। हम भी रेडी है अब। वैसे तो हमने कल पूजा कर ली थी और थोड़ी सी गुंजन दी की और गाथा और ज्ञाना की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हमने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, पर आज भी जन्माष्टमी है क्योंकि कहते हैं ना रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक होती है। तो आज हम जा रहे हैं दादा दादी के पास क्योंकि दादा दादी वेट कर रहे हैं इनका। ओ यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्योंकि दादा दादी भी वेट कर रहे हैं वेदा के आने का। ये देखो पीछे गात हुआ है मेरा काका, खांसी कर रहा है। दिखाया मैंने गुंजन दी, दिखाया आपने कितनी मेहनत की और उसके बाद कितने बीमार हुए एकदम से। और अभी हम बस जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से दादा दादी को मिलने के लिए, है ना बेटे, क्योंकि इस बार वेदू की फर्स्ट जन्माष्टमी है। इतनी क्यूट एक्टिविटीज करती है कई बार, इतनी क्यूट एक्टिविटीज करती है कि मेरे को रिजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है मेरा प्यारा काका। तो बस दादा दादी के पास चलते हैं हम लोग अब, और वहां पे अब देखते हैं कि हमने क्या क्या, वैसे मैं इसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेके आई थी तो वहीं जाके इसको हम कपड़े पहनाएंगे, चुनी चुनी बनाएंगे और जन्माष्टमी अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। देखो ना, टेक राइट, टेक राइट, चलाओ चलाओ चलाओ, हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, हाँ टेक राइट, टेक राइट, टेक राइट, टेक राइट, टेक राइट। क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह बेटे? चलना नहीं, दादी बहुत वेट कर रही है, बोल रही कब आओगे, हमने तो ब्रेकफास्ट भी बना दिया, कब आओगे, कब आओगे। बोलो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी हम गाड़ी चलाएंगे, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी चलाओ जल्दी, पीपी करो पीपी। हाँ दो दो चलना चाहिए हमें, नहीं तो हम यही रह जाएंगे आज, कहीं नहीं पहुँचने वाले। चलना चाहिए हमारा लंच से ब्रंच तो हो ही गया है बेटे, नहीं ब्रेकफास्ट से ब्रंच तो हो ही गया है, पता लगे लंच और डिनर एक साथ ही ना हो रहा आज। मम्मी ने मेरे को सुबह 7 बजे फोन किया, बोलती कहाँ हो, मैंने बोला मम्मी सो रहे हैं अभी, करते हैं मतलब चलते, फिर तो मैं लंच ही बना लेती हूँ, पता ही था बेचारी को कि चलेंगे टाइम से। नहीं पर 8:30 हम निकल गए, टाइम से तो है ये, बट स्टिल फिर भी टाइम तो लग ही जाएगा। कहा था मम्मी को 6 बजे, 6 बजे था, 6 बजे तो नैनू तो तैयार होगी आज। नैना कुछ कह दिए, ये देखो क्या, यस चाहिए तुझे, याद आ गई तुझे, मैं वहीं से आती हूं। ठीक है, ये आ गई है ड्यूटी के लिए अपनी। बाय बेदो, एंजॉय एंजॉय बेदो, आई कर दो मम्मा को, बाय बाय मम्मा, दे दी, बाय 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 करो बेटे, बाय। इसका डायपर बैग भी ले जा अगर कुछ चाहिए होगा सब, नहीं वो तो रास्ते में गाड़ी रोक लेंगे, इधर सिपर तो ले जा, सिपर ले जाओ पानी का। फायदे देखिए मौसी के साथ ट्रैवल करने के। ठीक है जी, बाय 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 बाय, जीजा जी भी अभी तक गए हैं, बाय।
किए गई हमारी वेदवी मासी के होने के बहुत अनेक फायदे हैं, उनमें से एक ये है कि शिफ्ट एक्सचेंज हो जाती है और मैं अब आराम से बैठ के जाऊंगी आधे रास्ते। या चलिए करते हैं आज के खूबसूरत दिन की भी शुरुआत और निकलते हैं अपने ससुराल की ओर आगे। और नैना और राजा था हमारे साथ जा रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, ऑफकोर्स क्यों ना हो। और बस चलते हैं और वहीं जाके अब आप लोगों से मिलते हैं और करते हैं अपनी जन्माष्टमी आगे कंटिन्यू। मम्मी ने तो जन्माष्टमी के लिए सामान भी बनाया होगा है। हाँ, और अभी यहाँ पे इसको बेचारे बच्चा मेरा एक बीमार हो गया गाथू, तो राधा रानी हम बना नहीं पाए, ना हम कृष्ण भगवान बना पाए और सामान गिर रहा है पीछे। हर बार हो ही जाता है सामान एक्स्ट्रा, आई डोंट नो कैसे होता है बट हो जाता है एक्स्ट्रा सामान। मैं हमेशा सोचती हूँ से क्या मतलब है रोहिणी, एक या दो बैग लेके जाऊंगी, वो तीन चार का बनते यही पता नहीं लगता। लेके तो एक दो बैग ही गई थी। यस हाँ, वन एंड हाफ बैग लेके गई थी बस, वो तो मेरी रात बाजार चली गई। अरे इतनी कमाल शॉपिंग की है मैंने, वो मैंने आपको दिखा नहीं, तुम्हें मिलती नहीं है तो इसलिए मतलब मिलती नहीं है जहाँ पे भी हम कहीं होते हैं भाई, बहुत कमाल है। आप ये सोचो मतलब ये जो मैंने पहने हैं ना, ये मेरे ख्याल से ऐसे होने 60-70 हद से तो है 100 रुपीज के ये बट लग रहे नो ना, इट डिपेंड्स किसने पहने हैं। अच्छा, तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे कान के झुमके लिए, मेरे बहुत टाइम से मन था कि मैं कुछ लूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पहनती कान में डेली के, मेरे को सेम पहनने पसंद नहीं है और एक्सचेंज करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब आटा मैंने इतने ले लिए कि आपको रोज नए नए कलेक्शन दिखे मेरी कानों में, बट कोई भी 100-150 से ऊपर की नहीं हो। और वहाँ भैया से बार्गेनिंग भी तो करते हो? बार्गेनिंग मैंने तो बिल्कुल नहीं बोली, भैया ने बोला पता नहीं स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि 150 का, मैं तो उतने में खुश हूँ 150 इसमें क्या कम करा दूँ, पर फिर भैया ने उस पर भी डिस्काउंट दिया, मैं तो इतनी खुश थी कि वाह। कल और लिए मैंने, परसों तो लिए थे लेकिन कल और लिए मैंने, तो इससे ज्यादा खुश हो गई मैं। एनीवे चलिए मैं अब घर जाके आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने आप को आराम दिया जाए। अच्छा, कितनी आराम, क्योंकि अभी वेदो भी नहीं है, हैंड्स फ्री हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बाजू को थोड़ा ऐसे आराम से रिलैक्स करवाऊँ क्योंकि डंबल तो बनी जाने जब वेदो ने मेरे पास वापस आना है। तो अब मिलते हैं घर पे, बाय। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, ये क्या देख रहे हो?